हम लोग अभी छिपली डूंगा मार्केट पोखरा में, एक छिपली डूंगा मार्केट है जो पोखरा का सबसे बड़ा मेन मार्केट है, और उसमें हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर सैफ भाई के भांजा रहते हैं, यहीं स्टेबल है और यहीं इनका बिजनेस है, यहीं दुकान है इनका अपना मार्केट में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा देखने जा रहे थे कि विंड चीटर और जैकेट हमारे लिए, ये होलसेल रेट में देखने जा रहे हैं होलसेल की दुकान में। तो क्या नाम है बाबू आपका? समीर खान। समीर खान? मेरा नाम समीर खान। अच्छा, समीर खान नाम है इनका, ये सैफ भाई के भांजा है और इनसे मिलने हम आए थे। और हम लोग क्योंकि टूर पे है तो यहाँ अपना भांजा मिला है तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन पोखरा का ये सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, इससे बड़ा मार्केट पोखरा में है ही नहीं। जो भी चीज़ आपको लेना है यहाँ मिल सकता है। तो दिल बोलते हैं इधर नेपाली में। अच्छा बोलते हैं? अच्छा, नेपाली में मुठू बोलते हैं और नेपाली में दिल बोलते हैं। नेपाली में मुठू? अच्छा, नेपाली में मुठू, मुठू मतलब ये दिल, दिल। अच्छा अच्छा, तो हार्ट ऑफ पोखरा इसको कह सकते हैं कि ये मार्केट है। और दोनों तरफ अच्छा खासा बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं इंडिया के मुकाबले तो थोड़ा आपको महंगा लग सकता है, बट ठीक है, आप यहाँ रेंजेस क्वालिटी और वैरायटी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ चीज़ अच्छी है। चलिए, अभी दुकान आ गया है तो हम देखते हैं इसमें कुछ। यहाँ पर एक लॉन्ग कोट, लॉन्ग जैकेट बोल सकते हैं उसको, कि पसंद आया साहब भाई अपने सिस्टर के लिए ले रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा है और लड़कियों को पसंद आने वाला कलर है, लाइट पिंक में। हाँ, तो सैफ भाई की बहन बहुत खुश होंगी कि भाई नेपाल से मेरे लिए कुछ लाए हैं। अच्छा, ये कहाँ से माल आता है, चाइना से या कोरिया से? ये चाइना का माल है। चलिए, चाइना का माल जो है ना नेपाल से लेके आज जाएंगे हम लोग और बहन को गिफ्ट करेंगे। फाइनली नेपाल में पहली हमने शॉपिंग करी है और हमने अपने लिए विंड चीटर एक लिया है। तो सैफ भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने ये जाने से पहले स्टिकर निकाल के, बहुत बहुत मेहनत के बाद में पता चला है यहाँ जो है ना, वरना 3000 नेपाली से कहीं कम में नहीं मिलता है। ये भांजा का यहाँ दुकान है और ये होलसेल मंडी में लेके आया है, इसलिए यहाँ मुझे ना इंडियन 1000 रुपये में ये पड़ा है। बाकी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके। यहाँ पर सैफ भाई फिर अब टोपी की दुकान में, टोपी ग्लव्स और ग्लव्स, यहाँ पर ग्लव्स खरीदा है भाई ने। और ये साहिल, सॉरी साहिल नहीं, समीर डील कर रहा है कि भैया कितने में देना है, तो कितने का पड़ा ये डिस्काउंट में? ये नेपाली 500 में ग्लव्स मिला है। अब बाकी आगे ठंडी से बचा। शॉपिंग किया हमने, एक विंड चीटर लिया और सैफ भाई ने विंड चीटर लिया। और यहाँ मार्केट आप कंपैरिजन में अगर आते हैं तो मैक्सिमम माल तो चाइना का ही होता है यहाँ, लेकिन कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट थोड़ा आपको महंगा लगेगा, बट अगर क्वालिटी और रेंज और वैरायटी पे जाओगे, क्योंकि इधर सर्दी का सामान ज़्यादा मिलता है, तो क्वालिटी और रेंजेस के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें ठीक लगेगा, फिर आप उसमें परचेस कर पाओगे। फाइनली हम यहाँ पर अब जाने के प्लान में हैं और यहाँ पर समीर को मामा ने कुछ प्यार से दिया और दक्षिणा कुछ दिया और बहुत अच्छा लगा समीर से मिल के हमको। और ठीक है ना, इसने दो दो चीटर दिलाया सस्ते में नेपाल का। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ठीक है।